नैक्सट कहिंदा कुछ ऑर्गेनिजम ने जिवें बैक्टीरिया उन्हां दे विच जिहड़ा न्यूक्लियर रीजन आ जिहड़ा न्यूक्लियस आ दैट मे बी पुअरली डिफाइंड बहुता चंगी तरह न्यूक्लियर रीजन नहीं बनिया हुंदा क्यों क्योंकि एबसेंस ऑफ न्यूक्लियर मैमब्रेन न्यूक्लियस दे आले दुआले न्यूक्लियर मैमब्रेन नहीं हुंदी मीनस आ डीएनए ते आरएनए दे आले दुआले हुण न्यूक्लियस की आ और डीएनए आरएनए विच पिया उहनां दे आले दुआले एक न्यूक्लियर मैमब्रेन आ ठीक आ आ थ्रैड लाइक क्रोमोसोम्स ने उन्हां दे आले दुआले एक न्यूक्लियर मैमब्रेन आ पर बैक्टीरिया दे सैल दे विच ये चीज़ नहीं हुंदी आ तां हुंदे ने क्रोमोसोम्स तां पर उन्हां दे आले दुआले न्यूक्लियर मैमब्रेन नहीं हुंदी पुअरली डिफाइंड हुंदी आ एबसेंस ऑफ न्यूक्लीयर मैमब्रेन इसलिए उन्हां दा न्यूक्लीयर रीजन नूं असीं पुअरली कह दिंदे आ वी न्यूक्लीयर रीजन हैगा तां हैगा पर थोड़ा जिहा सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लीयर रीजन कंटेन लिए ओनली न्यूक्लीयक एसिड इस तरह के रीजन कलर न्यूक्लीयक एसिड ही पे होंगे ने न्यूक्लीयस एसिड मीन डी एन ए आर एन ए सीधा ही डी एन ए पिया हों आर एन ए आले दुआले ये मैमब्रेन नहीं होंगी सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लीयर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लीयक एसिड इस तरह जो न्यूक्लीयक एसिड बिना न्यूक्लीयर मैमब्रेन तो पिया हों वी कॉल इट न्यूक्लीयोइड सच ऑर्गेनिजम हूज सैल्स लैक न्यूक्लीयर मैमब्रेन ओ सैल जिमें बैक्टीरिया ने जिन्हों के आले दुआले न्यूक्लीयस के आले दुआले मैमब्रेन नहीं होंगी दैट आर कॉल्ड प्रो कारियोटिक्स प्रो मीनस होंगे पहला ये ओ सैल्स ने इन्हों का दूसरा नाम हैगा प्रिमिटिव जो धरती के उत्ते सैल बनना स्टार्ट होया सी तां इस तरह के सैल बने से पहला बैक्टीरिया के प्रो कारियोटिक सैल्स कहने प्रो मीनस हुंदा प्रिमिटिव कारियोन मीनस हुंदा न्यूक्लीयस प्रिमिटिव न्यूक्लीयस जिन्हां च पुराना न्यूक्लीयस सीगा ऑर्गेनिजम विद सैल हैविंग अ न्यूक्लीयर मैमब्रेन जिन्हां दे आले दुआले न्यूक्लीयर मैमब्रेन हैगी उहनां नूं असीं कहिंदे आ यू कारियोटिक मीनस मॉडर्न सैल साडी बॉडी च यू कारियोटिक्स ने बैक्टीरिया दे विच प्रो कारियोटिक्स ने प्रोकारियोटिक सैल्स आलसो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली प्रोकारियोटिक्स दे विच होर ऑर्गेनली सैल ऑर्गेनलीज भी नहीं हुंदियां ठीक है मैनी फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनलीज आर ऑलमोस्ट परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उत्थे जिहड़ा ऑर्गेनलीज ने जिवें हुण आपां अगे इस चैप्टर च ऑर्गेनलीज बहुत तरह दियां पढ़नियां ने कोई ऑर्गेनलीज कोई काम करदी है कोई कोई काम करदी है पर उत्थे ऑर्गेनलीज है ही नहीं तां जिहड़ा माड़ा मोटा काम करदा उह साइटोप्लाज्म करदा साइटोप्लाज्म की आ न्यूक्लियस दे आले दुआले जिहड़ा फ्लूइड है इह वी अगे आपां पढ़ना पुत आह वाला साइटोप्लाज्म आ हाँ न्यूक्लियस आ दिस वन इज यूअर साइटोप्लाज्म नेक्स्ट वन इज द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया जिहड़े अपना फूड आप बना देते हैं उन्हें क्लोरोफिल होंदी है इट इज़ एसोशिएटेड विद मैमब्रेन वैसीकल्स ओदे विच जिहड़े बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट हुंदी आ ओ क्लोरोफिल दे आले दुआले मैमब्रेन जरूर हुंदी आ बट नॉट द प्लास्टिड्स एज इन यूकारियोटिक्स पर प्लास्टिड्स दे आले दुआले नहीं हुंदी आ प्रोकारियोटिक सैल दिखाता उन्होंने प्लाज्मा मैमब्रेन आ कुछ राइबोसोम्स ने आ न्यूक्लियस पिया न्यूक्लियस दे आले दुआले मैमब्रेन है नहीं सीधा ही पिया खुल्ला सैल वॉल नैक्सट वी कम टू साइटोप्लाज्म कहिंदा जदों उहनूं स्टेन चढ़दा तां तुसीं देखिया कि एक नूं डार्क कलर हो जांदा एक नूं लाइट जिहनूं लाइट कलर हुंदा उहनूं असीं लिटल स्टेन चढ़दा उहनूं साइटोप्लाज्म कहिंदे आ साइटोप्लाज्म उह पार्ट आ जिहदे च बाकी दियां सैल ऑर्गेनलीज बणियां ने पईआं ने इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट पाणी वर्गा मटीरियल दा बणिया हुंदा इनसाइड द प्लाज्मा मैमब्रेन दे अंदर पाणी वर्गा मटीरियल हुंदा इहदे विच इट आलसो कंटेन स्पैशलाइज्ड सैल ऑर्गेनलीज वी इहदे विच पईआं ने हरेक ऑर्गेनली ने अपना अपना काम करना आ सैल ऑर्गेनलीज आर इनक्लोज्ड बाय मैमब्रेन सैल ऑर्गेनलीज भी दे आले दुआले भी अपनियां मैमब्रेन हुंदियां ने इन प्रोकारियोटिक्स दे विच एबसेंस उन्हां च न्यूक्लीयर रीजन तां डिफाइंड वधिया हुंदा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लीयस दे आले दुआले मैमब्रेन नहीं हुंदी उस तों बिना मैमब्रेन बाउंड सैल ऑर्गेनली भी एबसेंट हुंदियां ने जिहड़ियां आपां अगे पढ़नियां ने ना आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सैल ऑर्गेनलीज ने जिहड़ियां नहीं हुंदियां इन्हां दे विच यूकारियोटिक्स दे विच हुंदियां ने मीनस असीं हुण इस तों अगे यूकारियोटिक सैल दी स्टडी पढ़नी आ सिग्निफ मैमब्रेन का की फायदा आ सिग्निफिकेंस ऑफ मैमब्रेन कहिंदा तुसीं समझ सकदे हो कि बेस्ट एग्जाम्पल नाल बेस्ट एग्जाम्पल आ वायरस दी
वायरस के आले दुआले कोई मैमब्रेन है नहीं, ता ही तो वो को सूद लाइफ के करैक्टरिस्टिक नहीं शो होंगे, ठीक है। दैट डू नॉट शो एनी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल इट एंटर द लिविंग बॉडी, जदों तक जिंदी चीज़ के अंडर नहीं एंटर होंगे ना उदों तक वो बारे पता ही नहीं लगता आ। एंड यूज इट इज सैल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, तो ज्योदी चीज़ की मशीनरी यूज करके मल्टीप्लाई करता, ता ही तो कहते जो DNA साड़ी बॉडी तो बाहर आ तो वह डेड कंडीशन चा, जो साढ़े अंदर आ जाता तो वह ज्योदा हो जाता है। वो आले दुआले मैंबरे ना होने करके पता ही नहीं लगता करोन वायरसिस का करोना वायरस आ। करोना हुण दे बारे दवाई क्यों नहीं बनती, यही रीज़न आ पुत किवें बनाउण मैडिसन, क्योंकि जे वह अपनी मशीनरी यूज करके बढ़दा वो होर हुण जिहड़ी मैडिसन बनाउणगे साडी मशीनरी नूं खत्म करन दी तां सानूं नुकसान होगा। इसलिए थोड़ी मोटी दवाई जिहड़ी तैयार हुई आ वैक्सीनेशन आ, ते अदरवाइज इहदा रीज़न यही आ कि वायरस आ ना जिहड़ा उहदे आले दुआले कोई मैंबरेन नहीं, इहदे करके वह अपने लाइफ के कोई करैक्टरिस्टिक शो नहीं करता, इसलिए उहनू खत्म करना औखा हो जाता है। ये फायदा हुंदा आ जिन्हां दे आले दुआले सैल मैंबरेन हुंदे ने उहनां दा लाइफ साइकल असीं ईजीली फाइंड कर लैंदे आ। ये सीगा तुहाडा साइटोप्लाज़म, इत्थे तक मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँ, टुमारो वी विल डू सैल ऑर्गेनलिज़।